लाइफ स्पैन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था या हमने सीखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि किसी ने जन्म लिया है, अब वो नेचुरल तरीके से किसी एक्सीडेंट से नहीं, नेचुरल तरीके से कब वो डेथ होता है, कब वो मरता है, उस बीच का जो टाइम पीरियड था उसको अपन क्या कह रहे थे, लाइफ स्पैन कह रहे थे। तो लाइफ स्पैन की सबसे खासियत बात क्या है कि जो भी जन्म लेगा वो क्या होगा, मरेगा जरूर। इट मींस जिस भी ऑर्गेनिज्म ने इस अर्थ पे क्या किया है, बर्थ किया है, इट मींस जिसका एग्जिस्टेंस अभी है, यानी कि जिसने जन्म लिया है, उसका नेसेसरी है, उसका सर्टेनिटी क्या है कि वो मरेगा जरूर। अब ये हो सकता है, डिपेंड करेगा लाइफ स्पैन पे, भाई कोई 10 साल जीता है, इट मींस किसी का लाइफ स्पैन 10 साल का है, तो क्या होगा कि वो 10 साल के बाद मरेगा। किसी का लाइफ स्पैन 2000 साल का, हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे ट्री होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2000 का, 5000 का, इतने ज्यादा भी लाइफ स्पैन होता है, तो उनका डेथ कब होगा, उनके लाइफ स्पैन के कंप्लीट होने के बाद होगा। ओके, तो इस बात को अपन समझ चुके थे, इसी पॉइंट के ऊपर अपना एक लाइन है, उस लाइन को डिस्कस करते हैं और उसको समझने का अपन कोशिश करते हैं। चलिए, तो लाइन क्या है आपकी, देखिए, व्हाटएवर लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अनसर्टेनिटी, मींस क्या हो गया इसका कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आप समझेंगे यहां पर, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सपोज करो आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ए ऑर्गेनिज्म हो गया, एक बी ऑर्गेनिज्म हो गया, क्या हो गया, एक ए ऑर्गेनिज्म है और एक बी ऑर्गेनिज्म है। सपोज करो ए का जो लाइफ स्पैन अपन मान के चल रहे हैं कि भाई ये कितना है, 10,000 ईयर्स हो गया, ठीक है, और एक का कितना है, जैसे कि अपन मान के चलते हैं 10 ईयर हो गया, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो कितना लाइफ स्पैन इनका वेरिएशन हो गया, एक तो 10,000 ईयर तक कंप्लीट करेगा अपना लाइफ स्पैन को, दूसरा क्या होगा आपके पास, एक 10 ईयर के अंदर कंप्लीट करेगा। बट इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि दोनों का क्या है, डेथ, यानी कि दोनों का क्या है, मृत्यु, यानी कि दोनों की डेथ, दोनों के मरना, ये चीज क्या है इनका, कॉमन है। यानी कि ये चाहे से 10 साल जिए, ये चाहे से 10,000 साल जिए, ऐसा कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, वट एवर एग्जाम्पल यू कैन टेक। तो कोई सा भी आपने एग्जांपल ले लिया है, उस एग्जांपल में हो सकता है लाइफ स्पैन उसका 10, वेरिएशंस कुछ भी हो सकता है, ओके, उनके अंदर कॉमन चीज ये होगी कि उनकी डेथ क्या होगी, नेसेसरी है, सर्टेनिटी है, यानी कि कोई भी क्या नहीं होगा आपके पास, कोई भी इस अर्थ में, इस वर्ल्ड के अंदर क्या नहीं है, अश्वत्थामा नहीं है। अश्वत्थामा के बारे में आप जानते होंगे ना, जिसको माना जाता है ना कि वो अमर है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगी, नो वन इंडिविजुअल इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, कोई भी अमर नहीं है भाई, ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। बट क्या है, कुछ आपके पास ऑर्गेनिज्म है जिनको अपन एक्सेप्शन के अंदर काउंट करेंगे या जिनको अपन एक्सेप्शन मान के चलेंगे, ओके, उनके पास क्या होता है, निंजा टेक्निक है, आपने देखा होगा ना डोरेमोन, डोरेमोन के पास क्या होता है, निंजा टेक्निक होती है हर चीज के पास, इनके पास भी क्या होता है, निंजा टेक्निक, और बहुत बेहद कमाल की निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक किस चीज की है इनके पास, कि ये क्या करते हैं आपके पास, मरते नहीं है, इट मीन्स इनकी डेथ नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कह रहा था कि नो वन, आपके पास कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, भाई इनका क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना जिनकी अपन बात कर रहे हैं, इनका क्या होता है, नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि नेचुरल तरीके से नहीं मरेंगे, बट हो सकता है सब एक्सीडेंट हो गया, किसी से टक्कर वक्कर हो गई इन सिंगल सेल्स की, या किसी भी अदर केमिकल फैक्टर्स से, फिजिकल फैक्टर्स से इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इनको मारा जा सकता है। तो इस बात को अपन क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि भाई इनकी नेचुरल तरीके से अपने आप मौत नहीं होगी, बट ये किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आ गई, किसी फिजिकल यानी कि रेडिएशन वगैरह के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो ये डेथ हो सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल तरीके से कैसे नहीं मर रहे, इसके पीछे का रीजन अपन जानेंगे कि इनमें ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है भाई जिससे ये मरते नहीं है, ओके। बेसिकली आपके पास जो इमॉर्टल एग्जांपल है, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड बहुत सारे आपके पास सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स जो सिंगल सेल के, वो सभी कैसे होंगे आपके पास, वो सभी आपके पास होंगे
इमॉर्टल, ठीक है। बायोलॉजी में अपन उनको क्या करेंगे, इमॉर्टल काउंट करेंगे, अमर बोलेंगे उनको, यानी कि बायोलॉजी के अश्वत्थामा कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, बायोलॉजी के अश्वत्थामा। इट मींस ये क्या नहीं होगा, आपके पास डेट नहीं होगी। चलिए अब इनके पीछे की अपन निंजा टेक्निक को समझने का कोशिश करेंगे कि इनके पास ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या तरीका है कि ये मर नहीं रहे, इनकी डेथ नहीं हो रही। बाकी तो पूरा बायोलॉजी के अंदर या पूरा वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब मर रहे हैं, ऐसे इनके पास यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या फीचर है, ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है कि ये मर नहीं रहे। अगर आपको कोई बात पता लग गई तो अपने लिए फायदेमंद हो जाएगा, हम भी नहीं मरेंगे, ठीक है। इसको समझने का अपन ट्राई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये आपके पास डेथ क्यों नहीं होते हैं या अमर क्यों है, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए लाइफ साइकिल इवेंट क्या होता है भाई, लाइफ साइकिल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप आती है, कौन कौन से स्टेजेस आती है, उस स्टेजेस को अपन क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि किसी का अपने अगर बात करें ह्यूमन के बारे में तो हम क्या होते हैं, बर्थ लेते हैं, देन उसके बाद हमारी ग्रोथ होती है, फिर हम मैच्योर होते हैं, फिर हम एजिंग, फिर डेथ। ये अपने पास क्या कुछ स्टेप है ना, तो बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एजिंग, डेथ, यानी कि स्टेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। भाई हमारी लाइफ साइकिल के अंदर जो जो स्टेजेस है, जो हमारी लाइफ के अंदर जो जो स्टेजेस आ रही है, बर्थ भी हो रहा है आपका, आपका यहाँ पर ग्रोथ भी होगी, होगा ना ग्रोथ, बच्चे से आप बड़े होंगे, फिर मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी का मतलब क्या हो गया, आप रिप्रोडक्टिवली क्या हो चुके हैं, आप कैपेबल हो चुके हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए आप कैपेबल हो चुके हैं। उसके बाद एजिंग आ गया, एजिंग में क्या होगा, आपके पास आपकी सेल्स का जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद डेथ, ठीक है। तो कुछ स्टेजेस होती है हमारी लाइफ के अंदर, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एजिंग, डेथ, इनको अपन लाइफ साइकिल इवेंट के अंदर काउंट करेंगे। अब समझिए इस बात को कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास क्या होता है, एक ब्रह्मास्त्र होता है, जैसे अश्वत्थामा के पास थी ना मणि, इनके पास क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है। उस ब्रह्मास्त्र को अपन कहते हैं सोमैटिक डिवीजन, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर सोमैटिक डिवीजन के बारे में, या इसका अपन एक और नाम होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं भाई, माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है भाई। सोमैटिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर सोमैटिक ग्रोथ। भाई सोमैटिक डिवीजन कहने के पीछे के रीजन ये हो गया कि इसका इंपॉर्टेंस किस में होता है, सोमैटिक ग्रोथ के अंदर। भाई जैसे कि हमारा बॉडी का साइज बढ़ता है ना, वो क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ सोमैटिक डिवीजन, ठीक है ना, यानी कि सोमैटिक डिवीजन से ही हमारी क्या होती है, ग्रोथ हो रही है। आज सपोज करो मेरे बाइसेप्स का साइज अभी 15, सपोज करो, ऐसा है नहीं, अगर ये कैसा हो जाए 22 हो जाए, तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पास, सोमैटिक डिवीजन, ठीक है ना, यह सोमैटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन भी कह सकते हैं इसको, और ठीक है ना, ये कहेंगे या माइटोटिक सेल डिवीजन भी इसको कहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो भाई होता क्या है, अमूमन इनमें क्या होगा आपके पास कि सोमैटिक ग्रोथ हो गई, जैसे कि बर्थ हुआ आपके पास, उसके बाद सोमैटिक ग्रोथ, तो सोमैटिक ग्रोथ के थ्रू क्या कर देते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर देते हैं। भाई ये बहुत कमाल की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे आपके पास बॉडी के अंदर भी क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको अपन इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन आपको यह समझ में आएगा अभी, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी ये रीजन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो भाई क्या होता है, बेसिकली इनमें सोमैटिक डिवीजन ग्रोथ के लिए यूज होता है, बट ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, इनका लाइफ स्पैन तो वैसे बहुत कम होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक तो सेल होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके पास, ये उसी सेल डिवीजन से क्या कर देते हैं, रिप्रोडक्शन कर देते हैं। इट मींस इन्होंने क्या करा आपके पास, जैसे कि ये ए ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि ये ए अमीबा, इसने जिस तरीके से ये ग्रोथ करता है, यानी कि सोमैटिक डिवीजन से ये ग्रोथ करेगा, उसी डिवीजन के थ्रू क्या कर देता है, ये आपके पास रिप्रोडक्शन कर देता है, क्या कर देता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये अपनी दो प्रोजेनी को बना देता है, या दो प्रोजेनी को ये फॉर्म करेगा, क्या करेगा, जैसे कि सपोज करो सी एंड आपके पास सी, अब मैं सी और सी क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन भी मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा। इनको बेसिकली अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है ना,
क्लोन क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आ जाएगा वो आपके पास। तो बेसिकली क्या होगा, ए जिसने क्या करा, सी एंड सी, तो इस प्रोसेस को अपन कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इनके अंदर, इनके अंदर ये होता है कि जिस डिवीजन से ये सोमेटिक ग्रोथ करते हैं उसी डिवीजन से ये क्या कर देते हैं, रिप्रोडक्शन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अब इनमें क्या होगा, जस्ट ग्रोथ के बाद क्या हो गया, रिप्रोडक्शन एज स्टेज आ गया, इट मींस उनके बाद क्या हो गया, ये डिवाइड हो चुके, इनका जो बॉडी है वो डिवाइड हो चुका है फर्दर टू ऑर्गेनिज्म के अंदर या टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। ओके, अब बेसिकली हमारे अंदर क्या होगा, देखो हमारे अंदर होगा ये कि बर्थ, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी आएगी, फिर एजिंग होगा, फिर डेथ होगा। तो भाई साहब इनके अंदर देखो दो स्टेप नहीं आए आपके पास, इनके अंदर एजिंग नहीं आई और डेथ नहीं आई। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि ये क्या कर देते हैं, मैच्योर हो चुके हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो तीन स्टेप इनके अंदर होती है, बर्थ होता है, इनके अंदर ग्रोथ होगा और मैच्योरिटी होती है। इनके अंदर क्या क्या नहीं होंगे, एजिंग नहीं होगा और डेथ नहीं होगा। अब जब इनके अंदर एजिंग भी नहीं हुई और डेथ भी नहीं हुई तो फिर मरेंगे कैसे ये, यानी कि जब एजिंग ही नहीं आई तो मरेंगे कैसे। ओके, तो ये ही रीजन है आपके पास कि भाई ये क्या करते हैं, इस निंजा टेक्निक का यूज करेंगे सोमेटिक डिवीजन का, इसी के थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर देते हैं, इसलिए क्या होता है ये मरते ही नहीं है। ठीक है ना, तो नेचुरल डेथ क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल नहीं होता है। ये क्या हो सकता है आपके पास, किसी केमिकल से, किसी फिजिकल मेथड से हो गया, फिजिकल फैक्टर से हो गया, या किसी गामा रेडिएशन, अल्फा बीटा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, इनसे क्या होंगे ये डेथ होगी। ओके, तो इस बात को आप समझें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इधर सुनो, लॉजिकल क्वेश्चन क्या हो गया, अगर हमारा क्या हो, बुढ़ापा नहीं आए, अगर हम ऐसी टेक्निक का यूज करें कि आपको बुढ़ापा नहीं आ रहा, अब आपके बुढ़ापे के लिए, आपकी एजिंग के लिए क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स नेसेसरी होती है, जिसको अपन कहते हैं थाइमस ग्लैंड्स कहते हैं, वो बहुत नेसेसरी होती है, वो समय के साथ क्या होता जाता है, स्मॉल होती जाती है, जितना स्मॉल वो होती जाएगी आपका एजिंग के लिए सिंबल होता है वो। ठीक है ना, तो एजिंग डिटेक्टर भी कहते हैं उसको। तो अगर इस ग्लैंड को अपन रोक देना, अपन कभी बूढ़े नहीं होंगे, अपन बूढ़े नहीं होंगे तो फिर आपको पता है एजिंग नहीं आएगी तो डेथ भी नहीं होगी, तो हम इस तरीके से अमर हो सकते हैं। बट बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि भाई अभी तक वो इस चीज को नहीं कर पाए, यानी कि वो अभी बुढ़ापा नहीं रोक पाए, बट हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसा कोई मेथड साइंटिस्ट डिस्कवर कर ले जिससे आप इस चीज को रोक दो। अगर बायोलॉजी में एजिंग रुक गया तो आपका डेथ रुक जाएगा, आपका लाइफ इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ दिस टाइम, अभी ये संभव नहीं है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना ही हो, उसका डेथ पॉसिबल है, यानी कि सर्टेन है, फिक्स है, भाई वो मरेगा ही मरेगा, कोई भी अस्पताल की तरह नहीं है जो अभी भी पहाड़ियों में घूम रहा है। दूसरी बात यह होगी कि आपके पास क्या होगा, एक्सेप्शन के अंदर काउंट करेंगे अपन जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनको। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सबको अपन एक्सेप्शन के अंदर काउंट करेंगे, एक्सेप्शन के अंदर इसको काउंट किया जाएगा और इनको क्या माना जाएगा, इमोर्टल माना जाता है। इमोर्टल क्यों हो रहे हैं ये, बिकॉज सोमेटिक डिविजन, हमारे अंदर क्या होता है, सिर्फ ग्रोथ सोमेटिक डिविजन से होगी, हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, मियोसिस डिविजन पे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना, इनके अंदर और हमारे अंदर, इसलिए हम क्या होते हैं, कभी अमर नहीं हो सकते। ठीक है भाई, इस चीज का आपको ध्यान रहेगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इतना ही स्टडी करेंगे।